इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन फिर ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, दोनों ही केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे से वाई एज्यूम कर लेते हैं और लॉग ले लेते हैं तो हम फिर से लॉग एम प्लस एन हो जाएगा, और लॉग एम प्लस एन को कभी भी आप फिर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। लॉग की प्रॉपर्टी जनरली सिंप्लीफाई करती है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस को, बहुत सारे मतलब एक्सपोनेंट हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, इनको सिंप्लीफाई करता है, लेकिन सम को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग डील करेंगे, इसको अलग डील करेंगे। तो क्या कर लेंगे, लेट वाई इक्वल्स टू यू प्लस वी हो गया, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एंड डी वी बाई डी एक्स। यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपकी से इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब हमने यू क्या एज्यूम किया है, वेयर जो यू हो जाएगा दैट इज लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स हो गया, है ना, और वी क्या हो गया आपका, v हो गया x की पावर log x। ठीक, तो ये चीज है। अब u को अलग से du by dx अलग से निकालना पड़ेगा, और dv by dx मतलब u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और v को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेपरेटली डील करेंगे। क्वेश्चन की लेंथ होती है काफ़ी लंबी होती है ये, क्योंकि दो क्वेश्चन का एक कंबाइन वर्जन होता है, तो आप सेपरेटली डील करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यू, यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, चूंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है ये, तो इसे डील करने के लिए पहले तो हम लॉग लेना पड़ेगा। लॉग यू इक्वल्स टू, टेकिंग बोथ साइड लॉग यहां पे लिख लेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो हो जाएगा लॉग यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग यू की पावर लॉग एक्स की पावर एक्स। प्रॉपर्टी से लॉग के इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो x log ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया log u। अब इसे क्या करेंगे, आप u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ u इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x टाइम्स log ऑफ x। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स है और दूसरा क्या है, लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लॉग ऑफ एक्स है, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और सेकेंड लॉग ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या आपका है, x है, और यहाँ पे क्या होगा, ये u का फंक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें u के लेकिन इसे u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा है d बाई डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं हम, ऐसा नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, d बाई डी यू ऑफ log u और फिर du यू बाई डी एक्स। तो एक तरह से हमने क्या किया, du से डिवाइड और du से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। अब ये फंक्शन जो आपका u का फंक्शन है, ये u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये log है आपका log u और du यू बाई डी एक्स रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू x। अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में आपको चेन रूल लगाना पड़ता है, ठीक है, और चेन रूल के लिए सबसे पहले आप क्या रिकॉग्नाइज करते हो, आउटर फंक्शन क्या है, ठीक है, उसके बाद जस्ट इनर फंक्शन डिफ्रेंशिएट करते हो। तो यहाँ पे आउटर फंक्शन आपका सबसे पहले देखिए, x की कोई भी वैल्यू प्लेस करते हो तो पहले log x कैलकुलेट होगा, मतलब log ऑपरेट, ये वाला log ऑपरेट होगा, तो x जब रखोगे तो log ऑपरेट होगा, जब वैल्यू आ जाएगी तो ये पूरा जो वैल्यू आएगी उस पर ये वाला log ऑपरेट होगा, तो ये चेन है या ये सीक्वेंस है जिसका आउटर मोस्ट जो फंक्शन है वो log है, फिर जस्ट इनर भी log है ना, वो x का फंक्शन है, तो इसी रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट होंगे, तो पहले ये वाला लॉग डिफ्रेंशिएट होगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई जो भी इस लॉग के अंदर है ना, वन बाई लॉग एक्स, उसके बाद क्या होगा, अंदर वाला लॉग डिफ्रेंशिएट होगा सेकेंड स्टेप पे, तो उसके अंदर एक्स है ना, तो वहां हो जाएगा वन बाई एक्स, तो ये आपका
चेन रूल लग गया, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, करना एक्स को है, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वन होता है। ये देखिए ये वाला इसे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली आपका कितना आ गया, अगर हम यहाँ से हटा दें इसको से, आपका u यहाँ से जो 1 बाई यू है वो u यहाँ आ जाएगा इस साइड में, ये हम हटा देते हैं, कट के 1 आ गया, ये भी 1 हटा देते हैं, हाँ। तो ये आपका जो हो गया u यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटा देंगे, है ना। अब u था क्या आपका, देखिए u था आपके पास log x की पावर x, तो वो भी हम यहाँ रख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x। तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया du बाई dx, ठीक है। इसी तरह से आप सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग किसके लिए, v के लिए, ठीक है। तो v आपका क्या है, v है आपका v इक्वल्स टू x की पावर log x है, x की पावर log x है, टेकिंग बोथ साइड log, तो log v इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ x की पावर log x, लेकिन ये log x पीछे आएगा या आगे आएगा, जो भी आप समझ रहे हो इसको, तो ये log x यहाँ आ जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए log x इंटू log x, ये एक तरह से log x का स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, log x का स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। अब ये कैसे आया, ये आप देख सकते हैं जो हमने du बाई dx वाला पार्ट किया है ना, वैसे ही आप चेन रूल लगा सकते हैं। खैर यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, जब भी x की वैल्यू आप प्लेस करोगे तो पहले ये log x कैलकुलेट होगा, है ना, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा ये स्क्वायर कैलकुलेट होगा। तो सबसे आउटर फंक्शन क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, मतलब सबसे पहले आपका ये डिफ्रेंशिएट होगा, है ना, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 2nxn-1, है ना, 2-1 स्क्वायर, पावर डिफ्रेंशिएट हो रही है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, और अंदर जो भी इसके हैं वही लिख देंगे। उसके बाद दूसरी बार कौन डिफ्रेंशिएट होगा, दूसरी बार में लॉग एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x आ जाएगा। अच्छा 2-1 कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है, 1 कोई लिखता नहीं है तो हम लोग क्यों लिखे। तो ये आ गया आपका 2 log x, और ये 1/v आ गया आपका, 1/v dv by dx, तो dv by dx v टाइम्स हो जाएगा, है ना। और v था क्या आपका, v था x की पावर log x, ठीक है, तो वो भी रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, x की पावर log x। नंबर चूंकि पहले लिखते हैं तो हम पहले लिख दे रहे, थोड़ा सा रीअरेंज करके हम तेज़ी से लिख रहे हैं, ठीक है। आप कॉपी में आपकी स्टेप्स बढ़ेंगी, ठीक है, दे दैट इज योर रिजल्ट नंबर 2। इन दोनों रिजल्ट्स को, है ना, यहाँ पे लाके आप रख देंगे, ठीक है, कहाँ पे, जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स देखिए यहाँ से आएगा लॉग एक्स की पावर एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स, और क्या है आपका 1/ log x प्लस log ऑफ log x, ठीक। तो ये हटा दे यहाँ से, अब ये किसी काम का नहीं रहेगा हमारे लिए, आप तो रिवर्स वीडियो में जाके देख भी सकते हो, है ना। तो ये चीज़ जो है हटा दिया। अब सेकेंड रिजल्ट क्या लिखना है हमें, प्लस dv by dx, और dv by dx हमारा कितना आया था, तो ये हमने बंद कर दिया, प्लस dv by dx 2 इंटू एक्स की पावर log x, और x की पावर log x फिर क्या हो जाएगा, इंटू log x ओवर x, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए x की पावर log x है और ये x है, तो ये x x बेस सेम है, पावर क्या हो सकती है, यहाँ पे पावर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x की पावर m अपॉन x की पावर n, ये m माइनस n लिखा जा सकता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब पावर सबट्रैक्ट कर दोगे यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हैं इक्वलेंटली, यहाँ पे लिख सकते हैं आप log x और -1, और यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक।
तो आपका डिनोमिनेटर कोई इसका डिनोमिनेटर नहीं बचा, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, du by dx, और ये हो गया db by dx। ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन में।